आज हम एक साथ सेब कुकीज बनाएंगे, सुगंधित और नरम, दालचीनी और ब्राउन शुगर के साथ, एक मीठे और मसालेदार ब्रेक के लिए परफेक्ट। सामग्री 300 ग्राम 00 आटा, 100 ग्राम ब्राउन शुगर, 100 ग्राम मक्खन कमरे के तापमान पर, एक बड़ा अंडा, एक बड़ा सेब अधिमानतः रेनेटा किस्म का, एक चम्मच पिसी हुई दालचीनी, चुटकी भर नमक, आधा पैकेट बेकिंग पाउडर, एक ताजा स्पर्श के लिए एक नींबू का घिसा हुआ छिलका। ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म करना शुरू करें या यदि यह वेंटिलेटेड है तो 160 पर। सेब को छीलकर बहुत छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कटोरे में आटे को ब्राउन शुगर, दालचीनी, चुटकी भर नमक और बेकिंग पाउडर के साथ मिलाएं। नरम मक्खन को सूखी सामग्री के मिश्रण में मिलाएं और अपने हाथों या एक कांटा का उपयोग करके रेत जैसी बनावट प्राप्त करें। अंडे और घिसे हुए नींबू के छिलके को मिश्रण में शामिल करें और तब तक हिलाएं जब तक आपको एक समरूप आटा न मिल जाए। अंत में आटे में सेब के टुकड़े डालें और धीरे से मिलाएं। चर्मपत्र कागज से ढके बेकिंग ट्रे पर आटे के चम्मच भर दें। प्रत्येक कुकी के बीच कुछ जगह छोड़ दें। ओवन में लगभग 15-18 मिनट तक बेक करें या जब तक बिस्कुट सुनहरे न हो जाएं। बिस्कुट को परोसने से पहले एक रैक पर ठंडा होने दें। नए स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाना न भूलें। रेनेटा सेब को इटली में इसकी मैली बनावट और संतुलित स्वाद के लिए सराहा जाता है, पेस्ट्री के लिए परफेक्ट। इन कुकीज का आनंद दिन के दौरान एक मीठे स्नैक के रूप में या चाय या कॉफी के साथ एक आदर्श संगत के रूप में लिया जा सकता है। यदि आप चाहें तो समृद्ध सुगंध के लिए कुछ बूंदें वेनिला अर्क भी जोड़ सकते हैं। खुश बेकिंग और अपने भोजन का आनंद लें।